देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। तो आज हम बात करेंगे 10 बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार की राजनीति में कभी राम और हनुमान तो कभी कृष्ण और अर्जुन का रूपक आता रखा गया। अब रूपकों की राजनीति को एक नया आयाम मिल गया है। बिहार की सियासत में अब बाली और सुग्रीव की एंट्री हो गई है। जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह पहली बार 6 अगस्त को पटना पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पार्टी की नीतियों को लेकर बड़ा बयान दिया। बिहार भाजपा बोली, समाज तोड़क कर रहे जाति आधारित जनगणना की मांग, पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। भाजपा से जदयू को अलग करना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने बिहार में जड़ाई आरोप। देश का नंबर वन जिला बना पटना, बिहार के कोविड टीकाकरण में हासिल किया 3रा स्थान। मैदानी भाग में कहीं कहीं हल्की वर्षा का अनुमान है। 9 अगस्त के बाद वर्षा की संभावना में वृद्धि हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पटना से सिकंदराबाद के लिए एक और ट्रेन, छपरा से खुलकर रांची और धनबाद के रास्ते तय करेगी सफर। बिहार में गंगा व गंडक सहित कई नदियां उफनाई, पटना में गंगा पथ पर 1.5 फीट तक पानी। फर्जी शादी कराकर लूटने वाले गिरोह की महिला सहित 5 गिरफ्तार, भभुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस में बिहार की लड़की से दुष्कर्म, रेलवे आउटसोर्सिंग कर्मचारी पर FIR दर्ज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही 10 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्टार डी न्यूज़।